स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। बीसीईसीई ने अभी अभी सीट मैट्रिक्स जारी किया है सभी कोर्सों के लिए। मैं आपको यही बताने वाला हूं, अभी अभी जस्ट दो मिनट पहले जारी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। यहां पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर यानी पीसीएमबी के रिगार्डिंग, यानी 50% सीट का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 50% एग्रीकल्चर का जो सीट्स है वो पीसीएमबी में एडमिशन होगा और 50% सीबीए पीसीए एमबी और एमसीए में एडमिशन होगा। टोटल जो सीट्स है आपको स्टेट कोटा से 264 है और यहाँ पे सरेंडर आईसीआर कोटा सीट्स के 12 सीट्स थे। टोटल सीट्स 276 है आईसीआर में और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि किस कॉलेज में कितना सीट्स है, 51 51 51 51 और 60 टोटल, ठीक है। यानी टोटल 276 एग्रीकल्चर पीसीएमबी में काउंसलिंग किया जाएगा। ये कैटेगरी वाइज आप देख लें डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया गया है, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। तो हॉर्टिकल्चर के लिए 21 टोटल सीट्स हैं, दो सीट्स आईसीआर से बच गए थे, 23 हैं कैटेगरी वाइज देख लें आप। अब बात करते हैं 50% सीबीए पीसीए एमबीए और एमसीए के लिए। तो फ्रेंड यहाँ टोटल सीट्स 132 है टोटल, ठीक है। और यहाँ पे देखें क्लियर, यहाँ पे और लिखा हुआ है हॉर्टिकल्चर में 11 सीट्स फ्रेंड। ये रहा एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं हम आपको यहाँ पे पीसीबी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पीसीबी में आपका फिशरी जो कॉलेज है यानी किशनगंज में है, 34 सीट्स हैं। और यहाँ पे फ्रेंड ये किशनगंज के बारे में पर्सनली बहुत अच्छे जानता हूँ, कॉलेज के बारे में काफ़ी अच्छा, इसका काफ़ी अच्छा कॉलेज है और काफ़ी नया, पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है फिशरी, 2018 से स्टार्ट हुआ है, काफ़ी नया बना हुआ है। आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, अच्छा स्कोप है यहाँ पे फ्रेंड। यहाँ पे टोटल सीट्स जो हैं ये टोटल 40 सीट्स हैं यहाँ पे, यानी सरेंडर जो 6 आईसीआर से बच गए थे 40 है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का है आपको कैटेगरी वाइज ये किया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड पीसीएम मैथ्स वाले के लिए। आप यहाँ पे पटना में हैं, डेयरी टेक के 26 टोटल सीट्स हैं फ्रेंड। पीसीएम और पीसीबी के रिगार्डिंग बात करते हैं हम, ठीक है। तो पटना में है, बी फार्मेसी वाले के लिए बात करते हैं। बी फार्मेसी में टोटल सीट्स 120 है, 60 और 60, एक है मुजफ्फरपुर में और एक पटना में गुलजारबाग में फ्रेंड। मेरे सजेशन में एग्रीकल्चर के बाद अगर आपको कहीं एडमिशन लेना चाहिए तो काफ़ी अच्छा बी फार्मेसी है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा तेज में बता रहा हूँ। फिजियोथेरेपी में फ्रेंड, फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में टोटल सीट्स 40 है आपको यहाँ पे 2020, पटना में दोनों कॉलेज हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप। आपको यहाँ पे एक और जो हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना के लिए पीसीबी के रिगार्डिंग, आपको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बीओ टीटेक और ऑपरेशन थिएटर के लिए, और बाकी यहाँ पे देखें ऑप्थैल्मिक के लिए 80 टोटल सीट्स हैं, टोटल 80 है। इसमें कोई भी बचा हुआ आईसीआर का रिगार्डिंग नहीं, वैकेंट था और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहा फ्रेंड। अगला बात करते हैं, यहाँ देखें पीसीबी के रिगार्डिंग आपका कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन नर्सिंग के लिए एनएमसीएच पटना में भी है और आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग भावपुरी में है फ्रेंड। आपको बता दूं कि 120 सीट्स है, नर्सिंग भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड, नर्सिंग में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, फिजियोथेरेपी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। तो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं फ्रेंड। ये बताना था और मैं बताता हूँ आपको, फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कैसे फिलअप करना हो थोड़ा सा मैं आपको फिर बताया था मैंने, अभी फिर बता दे रहा हूँ फ्रेंड। आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए bcecebo.bihar.gov.in के वेबसाइट पे गूगल पे ओपन करना है। जैसे ओपन कीजिएगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक ऑप्शन नया मिल जाएगा, या आप तीसरा नंबर ऑप्शन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ बीसीईसी 2009, इस पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेंड। मुझे यही बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।